नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीआईएससी बोर्ड ने आज अभी 3 बजे 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, कैसे रिजल्ट चेक करना है और अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो कैसे आप रीचेक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कम्प्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पर टाइप करना है वेबसाइट का नाम governmentjobcenter.com। इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब आपको नीचे आना है रिजल्ट के सेक्शन में। यहाँ पर लिंक मिल जाएगा सीएससी बोर्ड 10th एंड 12th रिजल्ट 2020। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी कॉपी दोबारा मतलब रीचेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये क्लिक हियर के सामने, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अब आपको सबसे ऊपर कोड सेलेक्ट करना है, कोर्स आईएससी आईसीएससी जो भी हो आपका बोर्ड, वो आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर यूआईडी नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, इंडेक्स नंबर डालना है ये भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद की ये जो कैप्चा होता है, कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट कर देना है अगर प्रिंट करना है। बाकी 100 रिजल्ट सबसे पहले आपको करना है। जब 100 रिजल्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल पर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा प्रिंट रिजल्ट में, तो यहाँ से आप लोग उसको प्रिंट कर पाएंगे। और रीचेक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, अप्लाई रीचेक ऑनलाइन, यहीं से आपको क्लिक कर देना है। एक बात दोस्तों और बता दें कि जिन लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वैसे जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग एंड्रॉयड मोबाइल वाले ही हैं, जिनके पास नहीं है तो SMS करके भी आप लोग रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर स्टेप दिए गए कैसे आपको SMS के जरिए रिजल्ट मिलेगा। अप्लाई रीचेक ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद एक पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या कितना कितना क्या स्टेप हैं। ये लिखिए, रीचेक के लिए पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ₹1000 आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से रीचेक का चार्ज लगेगा, ठीक है। रीचेक के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 दिन तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आज से 7 दिन तक रीचेक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप कराना है तो यहाँ से रीचेक के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना, तो आप लोग का फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।